आप देख रहे हैं नेशन टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड में हमारी टीम आ गई है और ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये बसंतपुर पंचायत है और मैं अभी मौजूद हूं मुखिया जी के आवास पे। ये यहां के वर्तमान में पिछले 2001 से 6 तक मुखिया थे और कहा जाता है कि ये जो मुखिया जी हैं ये पूरे पंचायत में इन दिनों चर्चा में हैं। हम इनका नाम इसलिए बार बार आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि सीधे इंट्रोड्यूस कराएंगे राधा स्वामी जी से। सुरेश प्रसाद सिंह उर्फ राधा स्वामी सीधे एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं नेशन टीवी पे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके रीजन में पंचायत का क्या कुछ विकास हुआ और जो वर्तमान में 15 साल मुखिया हैं उनके रीजन में क्या कुछ हुआ विकास इनके नज़र में। उसके बाद बसंतपुर का भी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि पंचायत का कितना विकास हो पाया। सर, आप तो जब मुखिया थे तो उस वक्त अगर देखा जाए तो पंचायत में आपने क्या क्या कार्य जो है पंचायत के विकास के लिए किया बसंतपुर के? जिस वक्त मैं मुखिया का इलेक्शन लड़ा था तो सारी जनता बोलता था कि राधा स्वामी जी एक गरीब का, अमीर का नहीं गरीब का नेता है। उस टाइम में पैसे बहुत कम आते थे, इंदिराबाद आता था, जो सबसे गरीब व्यक्ति होता था उसको मैं देता था। वृद्धा पेंशन जो बढ़ता था वो लक्ष्मणपुर हाट पर बढ़ता था, उसको मैं पंचायत में कराया। हमारे टाइम में इतना पैसा नहीं आता था, हमारे पंचायत के जितने भी सड़क थे वो कच्ची थे, उनको मैं सोलिंग कराने का काम किया। हमारे पंचायत भवन जो है वो टूट चुका था, उसको मैं बनवाया। स्कूल बनवाया जो टूटा हुआ था, खपरा का था, उसको मैं छत करवाया जी। जो जनता बोला वो हम किए, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं किया। लोगों को आम सभा ग्राम सभा करके जो पैसा आता था उसको मैं बताता था कि इतना पैसा आपके इस फंड में है और इतना पैसा आपके इस फंड में है, इतना खर्च हुआ, इतना बैलेंस हुआ। ये सारी जो ग्राम पंचायत राज्य का जो नियम था उस नियम के अनुसार मैं चलता था, डुगडुगिया पिटाता था, लोगों के पास जाता था, उसके दुख दर्द को मैं समझता था। उनके ऊपर कोई विपत्ति पड़े 12 बजे दिन से लेकर 24 घंटा मैं हाजिर रहता था। जिस भेष में मैं रहता था उसी भेष में उस जनता की सेवा को मैं करता था। उसका नतीजा ये है कि आज भी जनता कहता है कि राधा स्वामी हैं, वो जनता के लिए मरते हैं और जीते हैं जी। अच्छा, जब आप मुखिया थे उस टाइम का चुनाव और 2021 के पंचायत चुनाव में कितना अंतर देख रहे हैं? पहले तो चुनाव होता था, लोग बैल पे जाके प्रचार करते थे, अभी स्कॉर्पियो और तरह तरह की गाड़ियाँ हैं, उन सब पे जाके लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लगता है, पिछले चुनाव अच्छा था या फिर वर्तमान? पिछला चुनाव जो था उसमें पैसाबाजी जो है नहीं होता था, लोग पैदल साइकिल से, मैं खुद भी नॉमिनेशन देने गया था तो साइकिल पर चढ़ कर गया था। अभी के दौर में मुखिया जो है वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और अच्छा सा प्रतिष्ठा देने का चीज़ है। अभी के दौर में लोगों का सोच बदल गया, लोग कहता है कि नहीं चलिए मुखिया लड़िए, उसमें बहुत पैसा है, बहुत कमाएगा। ये कोई नहीं जानता है, रामायण में कहा हुआ कि मुखिया मुखिया चाहिए, खान पान में एक पाले पोसे सब जगत तुलसी नंद की चाहिए। यह बात नहीं सोचता कि हमको क्या करना है, ये उसको सोचना कि हम मुखिया कैसे बने, 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन भी बेच के वह व्यक्ति मुखिया लड़ता है कि हम जीत जाएंगे तो हम कमा लें। वो जनता के लिए नहीं है, वो अपने लिए है। अच्छा, इस बार 2021 के पंचायत चुनाव से जो बसंतपुर की जनता है उनसे क्या उम्मीद है, चूँकि आप लगातार 3 बार भी चुनाव लड़े तो 3 बार हमेशा सेकेंड पे आते चले गए, इस बार क्या विजय पार होगा आपका, फर्स्ट करेंगे? अभी का जो दौर चल रहा है वो हमारी पूरी पंचायत की जनता जो है राधा स्वामी बोलता है, टनाटन बोलता है कि इस बार
तख्त को मैं बदल दूंगा और राधा स्वामी को फिर उस तख्त पे ला के बिठा दूंगा, जिससे राधा स्वामी हमारे पूरे पंचायत के गरीब जनता को सेवा करें। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि पंचायत में 15 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ, तो फिर आखिर पब्लिक उनको वोट दे के जिता कैसे दे रही है, क्या वजह? वजह यही है कि आज तक जो भी फंड आया, वृक्षारोपण का हो, क्या बोलता है, लाइट का हो, मवेशी के नादी का हो, बाढ़ का राशन हो, या किसी भी तरह का 15 साल के अंदर जो आया उसका उपयोग हमारे मुखिया जी जो है अपने लिए किया, जनता के लिए नहीं किया। इस बार क्या उम्मीद लग रहा है, चुनाव निकालेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि आप लगातार पंचायत का विजिट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका राधा स्वामी से नाम से प्रसिद्ध है, जबकि सुरेश प्रसाद सिंह आपका पर्सनल नाम है, तो मतलब ये राधा स्वामी से आप प्रसिद्ध क्यों पंचायत? मैं एक फौजी आदमी हूँ, फौज में रहने के बाद मैं संत मत से जुड़ा, वो संत मत राधा स्वामी के नाम से जाना जाता है। जब मैं रिटायर होकर इस धरती पर आया था तो लोग हमको नहीं पहचानता था कि ये कौन है। धीरे धीरे समाज में मैं बढ़ा, नेता लोग से संपर्क हुआ, नेता के साथ मैं घूमा, लालू प्रसाद यादव, रामविलास प्रसाद पासवान, रघुवंश बाबू, मुंशीलाल राय, जितने भी बड़े बड़े नेता होते थे, रूडी जी, उनके साथ मैं, हमारे माननीय अजिता जी थे, वो भाई के तरह मैं उनको मानता था, उनके साथ मैं घूमता था, उनके साथ मैं रहता था, इसीलिए पूरी जनता जो है राधा स्वामी के नाम से जानता है, पूरा वैशाली जिला का आदमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राधा स्वामी जी सीधे एक्सक्लूसिव जुड़ गए थे नेशन टीवी पे, इनका स्पष्ट तौर पे मानना है कि पंचायत में कोई विकास जो है नहीं हुआ है और न ही ग्राम सभा का पंचायत में कोई आयोजन किया गया, लेकिन जो वर्तमान में मुखिया है उनका ये मानना है कि पंचायत में कई विकास की योजनाएँ जो है लोगों तक पहुँचाई गई है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन भी हम लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वसंतपुर का क्या कुछ विकास हुआ है। नेशन टीवी के लिए मैं प्रेम कुमार वैशाली।